हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रेकिब अफ्रेडी है। मेरे चैनल में आप लोग को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, यूपीएससी की तरफ से एनडीए एंड एनए का पोस्ट आया है, जिसमें आप लोग को इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स का पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अगर आप एक सिंपल 12th पास कैंडिडेट भी हो, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। मैं सब कुछ आप लोग को डिटेल में समझाने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है इस टाइप के वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट indiafastjobalert.com। ये एक जॉब पोर्टल है, यहाँ पे आप लोगों को सभी जॉब की जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी ऐसा जॉब है जिसके लिए अप्लाई हो रहा है। अगर आपने नहीं किया है, तो यहाँ पे आके आप कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली हम बात करने वाले इस पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पे करते क्लिक करते हैं दोस्तों। इस पोस्ट के बारे में सारी डिटेल्स जो है ऐसे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। ये जो पोस्ट है दोस्तों, यूपीएससी के अंडर आया है। यूपीएससी का फुल फॉर्म आपको पता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की द्वारा ये भर्ती लिया जा रहा है। ठीक है, इस पोस्ट में अप्लाई का जो लास्ट डेट है 8 अक्टूबर 2021। इस पोस्ट के लिए ऑलरेडी एक बार अप्लाई हो चुका है, जो कि डेट वो गया जा चुका है, लेकिन दोस्तों फिर से ये अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे अप्लाई का जो लास्ट डेट है, यहाँ पे दोस्तों है 8 अक्टूबर 2021। अगर आपने पहले बार एक बार कर चुके हैं अप्लाई, तो दोबारा आप लोग को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टोटल पोस्ट देखने को मिलेगा 400 टोटल। इसमें आप लोग को वैकेंसीज देखने को मिलेगा, जिसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हो, तो जरूर कर सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोग को मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट आप अपने मोबाइल में भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आप लोग को एक बात आप लोग को बताना चाहूँगा इन्फॉर्मेशन के लिए, ये जो भर्ती है दोस्तों, यूपीएससी के अंडर ये भर्ती लिया जाता है। ठीक है, इसका जो एनडीए एंड एनए, एनडीए का जो फुल फॉर्म है, एनडीए का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी, एंड एनए का फुल फॉर्म है, एनए का फुल फॉर्म है दोस्तों नोवेल एकेडमी। ठीक है, ये जो मतलब एक कोर्स होता है, ठीक है, एक कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद दोस्तों, जो इंडियन आर्मी हो गया एंड इंडियन एयरफोर्स हो गया, उसका जो ऑफिसर्स होता है ना, इस कोर्स को करने के बाद ऑफिसर्स बन सकते हो। ठीक है, आप लोग को शायद पता नहीं होगा ना ऑफिसर्स कैसे बनता है, क्योंकि आप लोग को शायद सुना होगा कि जीडी का भर्ती आता है, ट्रेडमैन का भर्ती आता है, टेक्निकल का भर्ती आता है, लेकिन जो ऑफिसर्स रैंक होता है उसका भर्ती कैसे आता है, तो इस टाइप से आता है। इस टाइप का अगर आप कोर्स करके रखोगे, तभी आप लोग को ऑफिसर रैंक मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए दोस्तों एज लिमिट ज़्यादा नहीं चाहिए, एकदम कम उम्र के कैंडिडेट को इसमें लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एग्जाम का जो नाम है दोस्तों, नेशनल एकेडमी एंड नोवेल एकेडमी एग्जामिनेशन 2012। ठीक है, यहाँ पे जो है टोटल पोस्ट आप लोग को 400 देखने को मिलेगा, जिसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी में टोटल 370 पोस्ट देखने को मिलेगा, एंड जो नोवेल एकेडमी है इसमें टोटल 30 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पे जो है इंडियन एयरफोर्स एंड दोस्तों नोवेल विंग्स एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो पोस्ट है, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसमें दोस्तों 12th पास होना पड़ेगा। उसी के साथ आपको एक साइंस का स्टूडेंट होना पड़ेगा, मतलब आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट बोलेगा कि आप तो बोला था कि नॉर्मल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, तो ये क्या बोल रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट जो पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो आर्मी विंग्स एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो आर्मी का भर्ती है, आर्मी का विंग्स का जो पोस्ट है, इसमें दोस्तों है 12th पास, नॉर्मल 12th पास वाला कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों जो है एनडीए एंड एनए का जो एज लिमिट मांगा गया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो 2003 से लेके 2006 की बीच तक अगर आपका एज है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन फीस भी मांगा गया है, अगर आप जेनरल एसटी जेनरल ओबीसी कैंडिडेट हो, तो आप लोगों को 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप एसटी एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, तो आप लोगों को कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा बहुत। यहाँ पे जो अप्लाई का डेट्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो, 24 सितंबर, यानी कि आज की डेट से इसके लिए अप्लाई स्टार्ट हो गया है, अभी हुआ नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है 8 अक्टूबर 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम का डेट भी डिक्लेयर हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे 14 नवंबर 2021 में इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें एज लिमिट बहुत कम मांगा गया है, तो इस वजह से अगर आपका कोई ऐसा भाई है जो पढ़ाई करने में मतलब अच्छा टैलेंटेड बंदा है, तो उसको अगर ऑफिसर में भेजना चाहते हो, तो इस वीडियो को उसको शेयर जरूर कर देना, उसमें अप्लाई भी कर देना। ठीक है, उसको ऑफिसर में उसको नौकरी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो अप्लाई का लिंक ये है, एडवर्टाइजमेंट का लिंक, इसको आप डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हो। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक भी मैंने देके रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों अप्लाई भी कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है,
तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।